प्रदेश में पहली बार गेहूं से पहले चने की समर्थन मूल्य पर खरीदी शुरू हो जाएगी। कृषि विकास एवं किसान कल्याण मंत्री कमल पटेल के निर्देश पर किसानों का पंजीयन सोमवार से शुरू हो जाएगा। कृषि मंत्री की इस पहल से किसानों को खरीद में विलंब के चलते अपनी उपज औने पौने दाम पर बेचने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। कृषि मंत्री कमल पटेल ने शाम अपने निवास पर पत्रकारों से चर्चा में बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के साथ बैठक कर चने की खरीद पहले शुरू करने के फैसले पर मोहर लगवा ली गई है। कृषि मंत्री कमल पटेल ने बताया कि गेहूं की खरीद खाद विभाग करेगा, जबकि चना, मसूर और सरसों की खरीद के लिए विपणन संघ को नोडल एजेंसी बनाया गया है। वहीं मंत्री कमल पटेल ने और भी कई अहम बातें कही। हमने निर्णय लिया है कि इस साल से अभी जो खरीदी हो रही गेहूं की, जब पंजीयन शुरू हो गया है, चना, सरसों और मसूर की भी पंजीयन हम शुरू कर रहे हैं सोमवार से, और 15 मार्च से उसकी खरीदी करेंगे, ताकि ओने पौने भाव पे जो मंडी में रेट कम कर देते, क्योंकि एक स्थान मंडी में जाएगा चना, सरसों, मसूर, तो रेट कम हो जाएंगे, लेकिन जब समर्थन मूल्य पे हम खरीदने लगेंगे तो मंडी में माल कम जाएगा, समर्थन मूल्य पे ज्यादा आएगा। तो आज जो 1000 रुपये क्विंटल कम बिक रहा, देखो चने का समर्थन मूल्य 5100, बाजार में बिक रहा औसत 3800 से 4100, 4200, 4500, औसत 1000 रुपये क्विंटल कम। मसूर वो भी कम बिक रही है, सरसों वो भी कम बिक रही है, लेकिन जैसे ही हम समर्थन मूल्य पे पहले खरीदने लगेंगे, दावे के साथ कह रहा हूं कि समर्थन मूल्य से ऊपर रेट हो जाएंगे मंडी के अंदर, तो हमारे किसानों को लाभ होगा। ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन। और हम जब कहते हैं, हम किसान की कहते हैं, किसान के प्रतिनिधि मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, तो हम किसानों को लाभ देने का काम कर रहे हैं, और इसलिए ये व्यवस्था कई सालों की थी उसको हमने बदली है। अब गेहूं के साथ गेहूं खरीदेगा खाद्य विभाग, और चना, सरसों, मसूर खरीदेगा विपणन संघ, मार्केट, उसको हमने एजेंसी बनाया नाफेड भारत सरकार के लिए, और समर्थन मूल्य पे। और जैसे ही हम 15 मार्च से शुरू करेंगे खरीदी, तो जो किसान मंडी में या व्यापारी जो रेट कम करते थे, क्यों रेट कम करते थे, क्योंकि मान लो उदाहरण के लिए भोपाल मंडी में व्यापारी है 100 या 200 या 500, उनकी क्षमता है 5000 कुंटल खरीदने की रोज, और माल आ जाएगा 20000 कुंटल, 10000 कुंटल, तो बोली को लगाएंगे, लेकिन अब समर्थन मूल्य पे आएगा, माल कम आएगा। खरीफ की फसल और रबी की दो फसल होती है, तो गर्मी में कभी कभी जहाँ सिंचाई है वो मूंग भी बो देते हैं, जैसे हमने अभी हरदा और होशंगाबाद में कराया था, 2700 करोड़ की मूंग पैदा कराई थी डैम छुड़वा के, पूरे प्रदेश में अकेले एक ही जगह छुड़वाया था। चना गेहूं के पहले आता है, एक महीना पहले आ जाता है। सरसों, मसूर गेहूं के साथ आती है, लेकिन खरीदी कब जाते हैं, मई जून में, और ये आज से नहीं है, ये कांग्रेस शासन के समय से परंपरा चली आई शुरू से। मैं कृषि मंत्री बना क्योंकि मैं किसान हूं, मुझे पता है, और इसलिए मैंने पहले ही आदेश कर दिए कि इस बार चना, सरसों, मसूर भी गेहूं के साथ खरीदा जाए, ताकि किसान को मंडी में रेट अच्छे मिले, क्योंकि एक साथ अगर मंडी में जाता है, जैसे ही फसल आती है, किसान के पास न वेयरहाउस है, न कोल्ड स्टोरेज है, न फूड प्रोसेसिंग प्लांट कि वो आयल मिल लगा के आयल मिल में दे दे, खुद बना ले अपने। और इसलिए मोदी जी ने ये कृषि कानून में संशोधन किया और 1,00,000 करोड़ रुपया किसानों के लिए रखा, सिर्फ किसानों को मिलेगा ये 1,00,000 करोड़, अब उद्योगपतियों को नहीं मिलेगा। लोग कह रहे ना उद्योगपति टाटा बिरला अंबानी हो जाएंगे, अरे अभी तक टाटा बिरला अंबानी थे कांग्रेस के 60 साल में, ये पहले प्रधानमंत्री है मोदी जी जिन्होंने किसानों को 1,00,000 करोड़ रुपये 3% ब्याज की छूट नाबार्ड से, 40% की सब्सिडी उद्योग पर, कृषि आधारित उद्योग लगाने पर, 50% की कोल्ड स्टोरेज पे, और 33% और 25% की वेयर हाउस पर। अब ये किसान और किसान के समूह मिलकर लो लेंगे, उनको मिलेगी आजाद भारत में पहली बार किसान अब खेती के साथ व्यापार व्यवसाय उद्योग लगा सकेगा, तब जाकर किसान जो बिचौलिए कमाते थे, उद्योगपति कमाते थे, वो किसान कमाएगा। उदाहरण के लिए आलू 10 रुपये किलो बिकता, लेकिन आलू की चिप्स 500 रुपये किलो खरीदते हैं, 400 से 1000 रुपये किलो का, तो किसान उसको 200 में बेचेगा, तो उपभोक्ताओं को सस्ती मिलेगी 300 से 700, और 200-150 रुपये किसान कमाएगा।